नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज़। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जनपद कन्नौज सदर तहसील में शहीद स्मारक स्थल पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पत्रकार सहायता समिति के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह धुआंधार की अगुवाई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक स्थल पर महात्मा गांधी की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से आज तक हम उनकी 30 जनवरी के दिन उनकी याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं। इस कार्यक्रम के पत्रकार सहायता समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद दुबे, प्रदेश महामंत्री कुशल मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास अवस्थी, प्रदेश मीडिया प्रभारी गोपाल तिवारी आदि कई लोग मौजूद रहे। आज शहीद स्मृति दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। उनकी शहादत पर आज पत्रकार सहायता समिति की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का यहाँ आयोजन किया गया। हम सभी पत्रकार साथियों ने यहाँ पे कैंडल जलाकर शहीदों को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।